भारतीय किसान तोमर संगठन ने जिला मेरठ के केंट रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया। भारी मात्रा में किसान यहां पर पहुंचे। किसानों का कहना है कि तब तक हमारी सुनवाई नहीं होती जब तक सरकार इन पर ध्यान नहीं देती, तब तक हम यहां से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। जिला मेरठ के केंट स्टेशन पर आज भारी मात्रा में किसान मौजूद हुए हैं। किसानों का कहना है कि जिस तरह से सरकार नहीं है तीन काले कानून बनाए हैं, तो सरकार ने वापस ले नहीं तो हम इसी को लेकर 26 जनवरी को लाल किले पर जाकर ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करेंगे। हमारा नाम चौधरी पदम सिंह सांगवान, मंडल अध्यक्ष मेरठ भारतीय किसान यूनियन तोमर। आज आप यहाँ स्टेशन पर हैं किस वजह से आए, ये बताएं पहले। हमारी यहाँ पे आज महापंचायत है और हम इसलिए आए हैं कि जो केंद्र सरकार ने तीन कृषि काले कानून किसानों पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, हम उनका पूर्णतः विरोध करते हैं। जब किसान देश का नहीं चाहता कि भाई ये नियम लागू हो किसानों पर, तो सरकार ऐसा क्या किसानों का लाभ देख रही है कि भाई वो जबरदस्ती इन पर थोपना चाहते हैं। महापंचायत में कहां कहां से किसान आपके साथ जुड़े हैं? हाँ, पूरा मेरठ का किसान, ये जिला मेरठ की महापंचायत है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का आदेश है कि प्रत्येक जिले में और सभी रेलवे स्टेशनों पर महापंचायत आज प्रस्तावित है और हम मेरठ जिले की महापंचायत आज यहाँ कैंट स्टेशन पर रख रहे हैं। और हमारे ये मुद्दे हैं कि जो कृषि काले कानून है, सरकार इन्हें वापस ले। जब तक वापस नहीं लेगी, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। आपका अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद में? इस अगला स्टेप हमारा ये है, अगर केंद्र सरकार इन मुद्दों को वापस नहीं लेती है तो हम 26 जनवरी को, उससे पहले तो धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, लेकिन 26 जनवरी को प्रत्येक गांव से 100-100 ट्रैक्टर जाएंगे और 26 जनवरी में गणतंत्र परेड पे हमारे ट्रैक्टर शामिल होंगे। इस बार टैंक नहीं, किसानों के टैंक शामिल होंगे गणतंत्र परेड पे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।